मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार, या जो संभावित तिथि थी बीपीएससी के, वही तिथि बताई जा रही है कि आप लोग को 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था, मतलब 15 दिसंबर को नहीं था, 12 दिसंबर को था, वो एग्ज़ाम अब आपको 23 जनवरी को निर्धारित की गई है। मतलब 23 जनवरी को होगा। कोई ग्रुप में हमसे पूछा था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो हम आप लोग को बोल भी किए थे कि जनवरी थर्ड वीक में होगा, क्योंकि आपको सेकेंड वीक में जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम और सेकेंड वीक में एग्ज़ाम लेने की पॉसिबिलिटी कम थी यूपीएससी के मेंस को देखते हुए, तो थर्ड वीक का कैलेंडर खाली था, एग्ज़ाम मतलब लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, तो वही निर्धारित की गई है 23 जनवरी को। आप लोग करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल के लिए गारंटी देते हैं कि 90% से ऊपर क्वेश्चन पकड़ाएगा। ये देखिए मेरा प्री का मार्कशीट, मेंस मेरा 64 मेंस नहीं हुआ है, 65 मेंस ऑप्शनल विषय सब्जेक्ट चेंज करने कारण नहीं दिए हैं, 66 दिए हैं, उसमें देखिए क्या होता है। हाँ, प्री का हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग का अगर प्री मेरे साथ करते हैं तो सेट बनाने के साथ साथ हम सेट जोन बनाएंगे, आप लोग को बनवाएंगे, और आप लोग बिहार स्पेशल के लिए और क्या कहते हैं करेंट अफेयर के लिए हम पे 100% डिपेंड हो सकते हैं। गारंटी देते हैं कि आप लोग का 90% से ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। बस जितना आप लोग हमसे हम जितना कहेंगे उतना आप लोग कर दीजिएगा, तो ठीक। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, कुछ करेंट अफेयर का वीडियो ऑलरेडी हम डाले हैं और अब डालेंगे, बिहार स्पेशल का वीडियो भी कुछ डाला है, आप लोग देखिए। नोट हम अपना डाल दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियो अभी नहीं बनाया उसका, लेकिन नोट डाल दिए हैं बिहार स्पेशल का, हिस्ट्री का, कल्चर का, और आपको क्या मतलब हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न बिहार का और कल्चर का वीडियो हम नोट डाल दिए हैं, आप लोग देखिए टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़े लो, निश्चित फायदा होगा। हमसे रोज़ टेस्ट चलाते हैं, रोज़ टारगेट अपडेट देते हैं और रोज़ टेस्ट चलाते हैं। सुबह टारगेट अपडेट दे देते हैं बिहार स्पेशल से और करेंट अफेयर से, और शाम में 9:30 से टेस्ट चलता है 30 क्वेश्चन के आसपास। निश्चित ही आप लोगों को फायदा होगा, गारंटी देते हैं, विश्वास करके देखिए हम पे। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।